हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल ऑल इन वन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने यह सूजी का एगलेस केक बनाया था। आप देख लो कितना सॉफ्ट और जालीदार हमारा केक बना है। इसे मैंने कढ़ाई में ही बेक किया है। और फ्रेंड्स, आप इसे एक बार बनाकर रख लीजिएगा शाम की चाय के साथ, या बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लास्ट तक देखिए, तो आप भी एक बार में यह केक परफेक्ट बना पाओगे। और कितने अच्छे से ये देखिए बेक हुआ है। पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सूजी का केक बनाने के लिए हमें 1 कप सूजी चाहिए। तो आपके पास मोटी बारीक वाली जो भी सूजी है आप वो ले सकते हैं, क्योंकि इसे मिक्सी के जार में डालकर हमें पीसना है। और अब इसमें हम आधा कप या शुगर डालेंगे और इसे भी एक बार पीस लेंगे। तो इस तरह आपको अलग से शुगर को पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों चीजें अच्छे से पिस चुकी हैं। अब इसे हम साइड में रखेंगे और केक के बेट इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करेंगे। जिसके लिए एक बाउल में हमें सबसे पहले 1/3 कप फ्रेश रूम टेम्परेचर का दही लेना है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ यह दूध की मलाई लेंगे 1/3 कप। तो एक दिन पहली यह मलाई है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। इसकी जगह आप चाहो तो यह अमूल की फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हो, बट क्या है यह हर किसी के पास नहीं रहती, तो मलाई के साथ बनाएं। मलाई तो हर किसी के पास रहती है। अब इसी के साथ इसमें हम 1/3 कप रूम टेम्परेचर का उबला हुआ दूध लेंगे और फ्लेवर के लिए इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे से कुछ गलती हो गई थी तो वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके कारण मेरा जो केक है थोड़ा सा डेंस हो गया था। इसमें थोड़ी जो मलाई की क्वांटिटी थी ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण ऊपर से जो केक है डेंस बना था। तो इसलिए आप 1/3 कप मलाई नहीं लीजिएगा, सिर्फ 2 टेबल स्पून ही मलाई डालिएगा, क्योंकि मलाई जो है फुल फैट वाले दूध की रहती है और मलाई में वैसे भी चिकनाई ज़्यादा रहती है तेल के अपोजिट। तो फ्रेंड्स, अगर केक में कोई भी इंग्रेडिएंट्स अगर ज़्यादा हो जाता है उसके कारण भी जो केक है ऊपर से डेंस रहता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने मलाई ज़्यादा डाल दी जिसके कारण केक ऊपर से डेंस हो गया था, अच्छे से फूला नहीं था। बट खाने में और बेक तो बहुत ही अच्छा हुआ था, खाने में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। तो आप जो मलाई है 2 टेबल स्पून ही डालिएगा। अब मैंने 1 मिनट तक सारी चीज़ों को अच्छे से बीट किया तो टेक्सचर जो है क्रीमी हो गया, आप देख रहे हो। अब इसमें हम छानकर जो सूजी और चीनी रखी थी पीस कर वह डाल देंगे और अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और आपने देखा है फ्रेंड्स, मैंने अभी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं डाला है, क्योंकि सूजी का केक है तो हम सूजी से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सूजी को अभी हमें रेस्ट करने के लिए रखना रहता है। इसलिए हमें इस बैटर को अभी रेस्ट करने के लिए रखना है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर बना है। तो इसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। अगर आपके पास समय कम है तो आधा घंटे भी रख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर को रखे हुए 1 घंटे हो गया। आप देख लो पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो मैंने फिर से 1/3 कप दूध लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा का करके डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जो दूध मैंने लिया था पूरा नहीं लगा था, इसमें से थोड़ा सा दूध बच गया था। तो आप अपने बैटर के अकॉर्डिंग ही दूध ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना दूध बच चुका है, हमारा बैटर भी तैयार है। अब इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें हम नमक डालेंगे। और सभी चीज़ों को अब हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर और सोडा डालने के बाद इसे हमें जल्दी जल्दी या विग्रसली मिक्स नहीं करना है। और अब इसमें हम थोड़े सी टूटी फ्रूटी डालेंगे, तो जिसे मैंने थोड़ी देर मैदा में कोट करके रखा है, जिससे जो टूटी फ्रूटी हैं पूरे केक में इवेनली मिक्स हो, श्रिंक ना हो नीचे बॉटम में। तो इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मेरे पास इस तरह का लंबा वाला मोल्ड रखा था तो मैं इसमें यह बेक करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप गोल वाले मोल्ड में भी इसे बना सकते हो। और इसे हम स्पैचुला से हल्का सा फैला लेंगे और टैप टैप भी कर लेंगे, जिससे क्या है इसमें कोई एयर बबल्स है वह निकल जाए। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी लगा देंगे, जिससे क्या है देखने में ऊपर से अच्छा लगे। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो चलिए अब इसे हम बेक करने रखते हैं। और आज इस केक को हम तवे पर बेक करेंगे, जिसके लिए तवे को मैंने 10 मिनट प्री हीट कर लिया है। आप चाहो तो कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम मोल्ड रख देंगे और वापस से कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमें 30 से 35 मिनट तक बेक करना है, टूथपिक क्लियर आने तक। अगर 30 मिनट बाद भी अगर यह बेक नहीं हुआ है, टूथपिक क्लियर नहीं आ रही है, तो इसे आप और भी बेक कर सकते हो जब तक टूथपिक क्लियर ना आए।
और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो केक है 30 मिनट में बेक हो चुका था। आप देखो कितने अच्छे से बेक हुआ है। मैं उस समय का जो वीडियो है नहीं बना पाई थी, और आप देखो कितना सॉफ्ट यह केक बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड टेक केयर।